लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। माननीय श्री संजय सिंह। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन मैडम, आपका मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। और मैं आभारी हूं मनोज झा जी का कि वो एक महत्वपूर्ण बिल राइट टू हेल्थ का लेकर आए। मैडम, इस देश में जब ये महसूस किया गया कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, भूख के कारण मौत हो रही है, तो राइट टू फूड का बिल पास किया गया। जब ये महसूस हुआ कि शिक्षा में देश लगातार पिछड़ता जा रहा, अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही, तो राइट टू एजुकेशन का बिल पास हुआ। आज हम ऐसे हालात में खड़े हैं मैडम, जहां पर कि पूरी दुनिया, न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अभी भी जूझ रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। और मैडम, हम लोगों ने देखा कि उस कोरोना के कारण जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, मजदूर थे, सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चल के अपने घर गए। जहां वो रहते थे इलाज नहीं मिल पाया। हमने देखा रेल की पटरियों पर जब वो थक गए चलते चलते, बैठकर खाना खाने लगे, नींद आ गई, रेल उनके ऊपर से गुजर गई, उनकी मौत हो गई, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाया, वो घर नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है मैडम। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले दिनों एक बड़ी पहल की और ऐसा करना चाहिए, बाकी मंत्रियों को निश्चित रूप से इनसे सीख लेनी चाहिए। ये स्वयं एक सामान्य नागरिक बनके मैडम जब एम्स अस्पताल में गए तो इनको वहां पर रोक लिया गया, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मैडम और ये खुद रूबरू हुए कि वास्तव में अस्पताल में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना एक मरीज को या उसके साथ के लोगों को करना पड़ता है। और इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कहना गलत होगा मैडम। शिक्षा का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह कहना गलत होगा, क्योंकि राजनीति ही तो तय करती है कि स्वास्थ्य पे कितना बजट होगा, शिक्षा पे कितना बजट होगा, सड़क पे कितना होगा, पानी पे कितना होगा, बिजली पे कितना होगा। इसलिए राजनीतिक मुद्दा है। और अगर आजादी के 75 साल के बाद भी सफदरजंग अस्पताल के सामने एक महिला जो प्रसव से पीड़ित थी, उसको अपने बच्चे की डिलीवरी लोगों के घेराबंदी में करनी पड़ती है, तो मैं समझता हूं सदन के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है मैडम, हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहां पहुंच गई। पिछले दिनों महोबा के अंदर एक खबर आई मैडम, वो दिल दहला देने वाली खबर, आप भी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्चा एडमिट था महोबा के अस्पताल में, चींटियों ने उसको खा के मार दिया। चींटियों ने, गलत कह रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा मैडम। इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। जब केंद्र का बजट आता है, हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पूंजीपतियों का 30% से घटा के आपने 22% कर दिया, 1,45,000 करोड़ रुपए का देश के बजट को घाटा हुआ। जब हम स्वास्थ्य का बजट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 2%। यह हमारी चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, यह हम करना चाहते हैं देश में स्वास्थ्य का विकास। और आप बार बार यहां पर कह रहे हैं हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य
कि भाई ये तो राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो भैया ये बता दीजिए राज्य सरकारों को गिराना किसका विषय है, विधायकों की खरीद फरोख्त करना किसका विषय है, करिए प्लीज कंक्लूड, मंत्रियों का पद प्रलोभन देके सरकारों का गिराना किसका विषय, चर्चा ये बता दीजिए माननीय सदस्य, मैडम सबको मौका दिया गया, मैं खत्म कर रहा हूँ, माननीय सदस्य चर्चा जारी रहेगी, मैं खत्म कर रहा हूँ, चर्चा जारी रहेगी, तो मैडम मैडम कंक्लूड कीजिए, मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली में एक सरकार चल रही है और उस सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने शिक्षा का बजट 14% रखा, 14% सबको मान, मैडम सबको बोलने का मौका मिला, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका, 14% दिल्ली का अगली डेट पे आपको मौका मिलेगा, नेक्स्ट उसमें मौका मिलेगा, प्लीज बजट ही बता रहा हूँ दिल्ली का, दिल्ली का स्वास्थ्य बजट 14% है, मोहल्ला स्पेशल 520 मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए, स्पेशल मेंशंस आपकी बारी है माननीय सदस्य, आपकी आपकी ही बारी है स्पेशल मेंशंस, चलो मैं बाद में कंटिन्यू, बाद में कंटिन्यू करेंगे, हाउस इसके बाद भी चलेगा, चर्चा जारी रहेगी, हाँ स्पेशल मेंशंस श्री संजय सिंह जी, मतलब रुकवा दो, मैडम।